वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सुब्री फराज ने कहा है कि वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन के मुहैया करदा मयार के मुताबिक बनाई गई है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुब्री फराज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 3% रजिस्टर्ड वोटर के वोट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि मैनुअल सिस्टम में कई जगहों पर अमले का किरदार भी काबिल रश्क नहीं होता, इंसानी मुदाखलत कम से कम करके टेक्नोलॉजी को रास्ता दिया जाए। मशीन के यूनिट में इंटरनेट कनेक्शन ब्लूटूथ के बगैर है, वोटिंग मशीन को भी हैक नहीं किया जा सकता, मशीन में किसी बटन के एक से ज्यादा फंक्शंस नहीं है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के सवालात के जवाब देते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने आम इंतखाबात में करना ही है। वजीर आजम ने पहला टास्क यही दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर काम करना है। हमारे मुल्क में इलेक्शन तनाजात का शिकार होते हैं, तमाम आबादी को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग मशीन तैयार की गई है। शिबली फराज का कहना है कि हमारे पास पेपर ट्रेल्स का सिस्टम भी मौजूद होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी काम करेगा। वोटिंग मशीन के बाद पाकिस्तान की तारीख में एक नया मोड़ आएगा, 15 से 20 मिनट में रिजल्ट वसूल हो जाएगा, 7 से 6 माह में मशीनों की तादाद भी बढ़ाई जा सकती है। बोल ब्रीफ्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बोल ब्रीफ्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।